अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ होलसेल वाला। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़ेदार से रोज़े आप लोगों के गुजर रहे होंगे। आज का एक टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ, वो है लंदर के माल में नुकसान क्यों नहीं होता, या अगर होता है तो उसका मार्जिन या उसका रेशियो इंतहाई कम क्यों है। ये एक बिजनेस सीक्रेट है, लेकिन मैं आज आपके पास शेयर करने वाला हूँ, ये चीज़ बताने वाला हूँ, ताकि इस चीज़ से आपको आगाही हो सके और मुकम्मल मालूम मिल सके। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के आइकन को प्रेस करें और उसका नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी, बात हम कर रहे थे कि लंदर में नुकसान क्यों नहीं होता। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता चलूँ, जो लोग इस चीज़ का काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, लोग मालूम लेना चाहते हैं या पूछ रहे हैं इस सिलसिले में कि भाई क्यों, भाई इसकी वजूहत क्या है, अगर हम शुरू करते हैं काम तो हमें कितना नुकसान होता है या हो सकता है, ये क्या मामला होंगे। तो मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए से इस बात को समझाता हूँ, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें आपने एक लंदर का माल का ऑर्डर दिया, टी शर्ट्स का। टी शर्ट सिंपल जो एक रनिंग आइटम है, बहुत ज़्यादा रनिंग आइटम है लंदर के माल में, कई लाख आइटम खिलाता है। बाहर की इम्पोर्टेड शर्ट्स होती हैं, ज़्यादातर ये लंदन और अमेरिका वगैरह से आती हैं। कुछ इसमें जो है वो रीमेक होती है, यानी कि इसमें अल्टर हुई होती है साइज़ के हवाले से, क्योंकि अमेरिकन लोग जो है वो काफ़ी फैटी होते हैं, मोटे लोग होते हैं, उनको जो है वो स्टिचिंग करके दोबारा यहाँ पे एशियन साइज़ बनाया जाता है। एक तो वो होती है, एक होती है जेन्युइन बाहर के, खासतौर पर जो बाहर के बंडल्स वगैरह आते हैं वो होते हैं जेन्युइन माल, उसमें से एसेस निकलता है, ठीक है। चले जी, फर्स्ट करें आपने 100 शर्टें ऑर्डर की और फी शर्ट आपको पड़ी 30 रुपये की, 30 रुपये की एक शर्ट आपको पड़ी और आपने करी 100 शर्टें। 100 शर्टें जब आपके पास माल पहुंच गया, आपने उसमें छांटी करी, जाहिर सी बात है ये इस्तेमाल शुदा माल होता है, बाहर मुल्कों से आता है, यूज़ किया होता है, कुछ इसमें नए पीस भी होते हैं यकीनी तौर पर, ब्रांडेड भी होते हैं। आपने छांटी करी सारी, ठीक है जी, ब्रांडेड पीस अलग कर लिए, फिर उसके बाद आपने ए बी सी तीन कैटेगरी आपने कर ली, जो ज़्यादा अच्छी साफ़ सुथरी खूबसूरत शर्टें वो आपने अलग कर ली, फिर इसमें से कुछ ना कुछ माल यकीनी तौर पे कटा पड़ा या दागी होगा वो आपने अलग कर लिया। उसके बाद आपने काउंटिंग की कि भाई मैंने 100 पीस मंगाए थे, अब मुझे इसमें से क्या वारा आ रहा है, 30 रुपये के हिसाब से आपने मंगाए, तो ब्रांडेड शर्टें थी वो आपने हिसाब लगाया कि भाई ये जो है तो मैं बेचूँगा 200 रुपये की, 100 रुपये की, 150 रुपये की, 250 रुपये की, जो भी आप डिटेल उसको कर सकते हैं, मतलब अच्छे पैसों में, ठीक है जी। जहन में रखिए कि आपने ऑर्डर कितने का किया, 30 रुपये का, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपने जो कैटेगरीज बनाई थी कि अच्छा माल, उससे फिर हल्का माल और एक तरफ दागी या कटा पटा, दागी कटे पटे के चांस इसमें हो सकते हैं, किसी के कम होते हैं किसी के ज़्यादा, लेकिन 10-15% का मार्जिन इसमें होता है। तो हम मैक्सिमम लगाते कि 100 में से 20 पीस आपके ख़राब निकल गए, ख़राब से मुराद उनमें से हल्का फुल्का टक टुक मिसप्रिंट या कलर फेड था, ठीक है, आपने उनको अलग कर दिया। अब आपने बोला भाई ये तो मेरा नुकसान हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। आपने जो 80 पीस अच्छे अच्छे और एक दो ए बी सी कैटेगरी किए थे आपने, वो आप यकीनी तौर पे सेल करेंगे 100 रुपये या उससे ज़्यादा की, 100 रुपये या उससे ज़्यादा की, या 50 रुपये, जितना आपका वर्थ है, ये जितने का आप सेल करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, यकीनी तौर पे डबल तो आप कम से कम इसको सेल करेंगे। अब आते हैं बाकी के 20 पीसों पर, 20 पीस जिसमें हल्का फुल का निशान या कुछ टक टुक था, अगर वो आप 30 रुपये की ही सेल लगा दें अलग से कैटेगरी करके कि 20 पीस हैं, 30 रुपये की आपने लिए, 35 रुपये की गले चले खर्चा डाल के, 35 की 35 नहीं बेचें तो वो आपको मिल जाएंगे 35 रुपये उसके, यकीन तौर पर। तो इसका जवाब वाजे क्या हुआ कि लंदर में नुकसान नहीं है, जो पीस आपने अलग किए थे 20 कटे पटे दागी, जितने का माल आपने ख़रीदा उतने की ही बेच दें, बाकी जो छाटी करके आपने माल अच्छा अच्छा अलग किया था वो तो आप यकीन तौर पर डबल ट्रिपल 4 गुना मुनाफा उसका कमाएंगे, या अच्छे से पैकिंग करके साफ़ सुथरा करके उसको कहीं और मुनासिब रेट पर आप आउटलेट पर भी सेल कर सकते हैं। तो ये थी इसका सीक्रेट जो आपसे आज शेयर किया गया, बहुत डिमांडेड था, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी अच्छे टॉपिक में, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।